तो हेलो सुपर फैंस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मैं आ चुका हूं वापस एक नए ऑसम वीडियो के साथ, जिसमें हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे जो विलगैक्स है उसने क्रोमास्टोन को डिफीट कर दिया और साथ ही साथ उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो आज हम इसके पीछे के सारे रीजंस को जानने वाले हैं एंड आई होप कि आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा और ये बाकी वीडियो से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। सो अगर आप चैनल पर नए आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड गाइस, जो 85% लोग जो रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, एक रिकैप की वीडियो में हम आज क्या जानने वाले हैं। वीडियो हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे जो विलगैक्स है उसने क्रोमास्टोन को डिफीट कर दिया। और अगर क्रोमास्टोन के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ओरिजिन स्टोरी पावर एबिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बट मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देखता हूं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। बेंटन एलियन फोर्स में टॉप 5 पावरफुल एलियन में से एक है क्रोमास्टोन। क्रोमास्टोन एक इलेक्ट्रिक एंड फाइटिंग टाइम एलियन है जिसके पास गाइस इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की पावर है और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रीडायरेक्शन भी कर सकता है, रीजनरेट भी कर सकता है। साथ ही साथ उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो जो क्रोमास्टोन है वो ह्यूमंगोसोर की जितना स्ट्रेंथ रखता है और साथ ही साथ वो फ्लाई भी कर सकता है। एज वेल एज उसके पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनहांस स्ट्रेंथ और काफी ज्यादा दूसरी पावर्स भी हैं। सो अगर आपको पता होगा कि क्रोमास्टोन कितना ज्यादा पावरफुल है या फिर आपने कोई और वीडियो देखकर आ गए जिसमें आपको क्रोमास्टोन की पावर्स एंड एबिलिटीज की पता लग गया होगा, सो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे विलगैक्स के एक वार से ही क्रोमास्टोन डिस्ट्रॉय हो गया। सो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि इसके पीछे के सीक्रेट को जानने के लिए कि आखिर कैसे विलगैक्स के एक ही वार से जो क्रोमास्टोन है वो डिस्ट्रॉय हो गया। सो इसके पीछे सिर्फ 3 रीजंस है और तीनों रीजंस मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। सो सबसे पहला रीजन है द स्वॉर्ड ऑफ द विलगैक्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि विलगैक्स की स्वॉर्ड। और अगर आपको इस स्वॉर्ड के बारे में बिल्कुल ब्रीफली में कुछ जानना है तो आप एनिमी स्वॉर्ड के इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ट्रेंडिंग वीडियो है वैसे। सो अगर आपने एनिमी स्वॉर्ड के उस वीडियो को देख लिया होगा तो आपको इस स्वॉर्ड के बारे में काफी सारी चीजें पता लग गई होंगी। तब भी मैं आपको बता दूं कि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड क्रिस्टल की भी बन सकती है, फायर की भी बन सकती है और तो और इसमें बहुत ज्यादा दूसरी पावर्स भी है। ये यहाँ तक कि क्रोमास्टोन के पावर्स का भी इस स्वॉर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसी पावरफुल स्वॉर्ड की हेल्प से जो विलगैक्स है उसने क्रोमास्टोन को डिफीट ही नहीं किया बल्कि डिस्ट्रॉय भी कर दिया। और दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ वेबिक। नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। सो गाइस, अगर आपने बेंटन वेंजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 2 देखा होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी कि बेंटेनिसन वेबिक में ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि ठीक बैटल से पहले जो वेबिक है वो बेंटेनसन के ऑमनिटिक्स में वापस आ चुका था, जिससे जो बेंटेनसन है वो डैम श्योर था कि वो वेबिक में ही ट्रांसफॉर्म होगा। और इस बात से बेंटेनसन खुद भी बहुत ज्यादा शॉक था कि वो क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने अगर गौर किया हो तो जो क्रोमास्टोन ने उसने जब विलगैक्स पे अटैक किया तो वो स्टिल था, यानी कि गाइस वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, वो जैसे का तैसा ही खड़ा का खड़ा था। वो बस अपने लेजर्स को अपने सींगों में से अटैक कर रहा था और सामने से जो विलगैक्स है वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके पास आ गया और वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। और जब विलगैक्स उसके बिल्कुल पास आ गया तो क्रोमास्टोन उसके सामने झुक गया क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, जिससे कि वो थक गया और वो उसके सामने घुटने टेक देता है, जिसकी वजह से विलगैक्स के पास एक मौका था कि वो क्रोमास्टोन को डिस्ट्रॉय कर दे और विलगैक्स ने वही किया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही और यही थे वो रीजन जिसकी वजह से जो क्रोमास्टोन है वो विलगैक्स के हाथों डिफीट ही नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय भी हो गया। एंड गाइस, मैं तहे दिल से आप लोग से सॉरी कहता हूँ पिछली कुछ गलतियों के लिए एंड आई होप कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। सो गाइस, फैमिली में ये सब चलता रहता है और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर 11K सब्सक्राइबर, जिसके लिए मैंने आपको थैंक यू भी नहीं कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।